एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले ईगल माइनिंग नेटवर्क को लेकर। जी हाँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ईगल नेटवर्क के अंदर कौन की फ्री के अंदर माइनिंग चल रही है और आने वाले समय के अंदर इन कौन की कुछ वैल्यू भी बनेगी और हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं ईगल नेटवर्क के अंदर जो भी न्यू अपडेट आई। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ईगल नेटवर्क के अंदर न्यू अपडेट आई। यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर ईगोन स्वैप को लेकर अपडेट आई है। यहाँ पर रिस्टोर इनटू ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना क्रिप्टो परा वॉलेट को कैसे आप इसके अंदर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे ईगोन टोकन फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर ईगल नेटवर्क की संपूर्ण, यहाँ पर जो भी अपडेट है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इस चैनल पर पाई नेटवर्क और ईगल माइनिंग नेटवर्क की न्यू अपडेट आते आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ईगल नेटवर्क की जो भी अपडेट है। तो सिंपली मैं इस अपडेट पर क्लिक करता हूँ। अपडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईगल नेटवर्क को लेकर अपडेट आई है कि ईगल यहाँ पर ईगोन कॉइन की यहाँ पर प्राइस भी, यहाँ पर शुरुआत के अंदर इसकी प्राइस की बात करें ईगोन कॉइन की तो यहाँ पर 0.1 डॉलर और आने वाले समय के अंदर इसकी अच्छी भी प्राइस आ सकती है। तो यहाँ पर ये लिस्टिंग होगा, यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर आपको इस अपडेट के अंदर यहाँ पर डेट मिल जाएगी यहाँ पर 6 दिसंबर को। जी हाँ, 6 दिसंबर को यहाँ पर ईगोन कॉइन लिस्टिंग होगा आने वाले समय के अंदर। तो सिंपली मैं इस अपडेट पर क्लिक करता हूँ। हाउ टू बाय ईगोन स्वैप, जी हाँ, किस प्रकार से आप ईगोन स्वैप को खरीद सकते हो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप भी आपको बताएगी। यहाँ पर डिपॉजिट, यहाँ पर बाइनान स्मार्ट चेन बीएनबी बीईपी 20 इनटू ट्रस्ट वॉलेट। जी हाँ, नंबर 2 आपको करना होगा गो टू सेटिंग एड, यहाँ पर कस्टम टोकन एंड सिलेक्ट स्मार्ट चेन और यहाँ पर कॉपी पेस्ट ईगल टोकन। तो सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एड्रेस को मैं सिंपली अभी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, इस एड्रेस को सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर एड्रेस के नीचे आपको दिख रहा होगा नेम, जी हाँ, ईगोन स्वैप टोकन और यहाँ पर कोड भी ईगोन और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर उसके अंदर आपको एडिट करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर ईगोन स्वैप को आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर खरीद सकते हो। तो यहाँ पर आप पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इस एड्रेस को। इसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ईगोन स्वैप टोकन और यहाँ पर इसका कोड भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 18 भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पर पूरी प्रैक्टिकल रूप से आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये सब कुछ करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली चलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करना हूँ। सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट को इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे मैं बता दूँ, आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यानी ऐड कस्टम टोकन, जी हाँ, तो यहाँ पर आपको ऐड कस्टम टोकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने जो एड्रेस कॉपी किया था उस एड्रेस को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जी हाँ, इस एड्रेस को पेस्ट करते ही आपको मैंने अभी बताया था इस अपडेट के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नेम, यहाँ पर ईगोन स्वैप टोकन डालना है, वहाँ पर नेम की जगह कोड की जगह ईगोन और यहाँ पर 18 सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर डाल लेता हूँ। यह सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा डन, डन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो सिंपली सब कुछ मैं यहाँ पर अभी डाल लेता हूँ। सिंपली आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो भी ईगल नेटवर्क के अंदर अपडेट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। मैंने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड कर लिया। जी हाँ, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पर मैंने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड कर लिया है। इसके बाद सिंपली आपको ऊपर दिख रहा होगा डन, तो यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। जी हाँ, सिंपली मैं अभी डन पर क्लिक कर देता हूँ। डन पर क्लिक करते आप देख सकते हो यहाँ पर अपना ईगोन स्वैप यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो चुका है यानी वॉलेट के अंदर। जी हाँ, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अब आप यहाँ पर किस प्रकार से ईगोन कॉइन को खरीद सकते हो वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलते बैक और उस पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ईगोन सेल इज ऑन। तो इस अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ। अपडेट पर क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा सेल नाउ ऑन, यहाँ पर कि अभी आप ईगोन कॉइन का सेल भी कर सकते हो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको करके बता देता हूँ जो भी इस अपडेट के अंदर आया है ताकि आप सिंपल तरीके से समझ सको। तो इस अपडेट के अंदर यहाँ पर आपको एड्रेस दिख रहा होगा, तो सिंपली मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। इस एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। जी हाँ,
ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्मार्ट चेन। जी हाँ, सिंपली आपको स्मार्ट चेन यहाँ पर अभी क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने दिख रहा होगा सेंड, तो सिंपली सेंड के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया होगा। यहाँ पर आपको ऊपर जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था, मैं सिंपली आपको बता दूं कि यहाँ पर इग्गल नेटवर्क से उस एड्रेस को आपको यहाँ से क्लिक करना है। जी हाँ, कॉपी किए हुए एड्रेस को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है सिंपल तरीके से। इस प्रकार से आप यहाँ पर इग्गोन कॉइन का बाय करेंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। जी हाँ, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ अमाउंट भी यहाँ पर डाल के बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर अमाउंट में डाल देता हूँ जिससे यहाँ पर आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर मैं कुछ भी अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा कन्फर्म पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते आप देख सकते हो कि ट्रांसफर। जी हाँ, अभी यहाँ पर कॉइन का हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरे पास BNB कॉइन नहीं मिली है मुझे। जब मिलेंगे तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। जो भी अपडेट थी मैंने आपको पूरी अपडेट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि अलग टाइम होने के कारण मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरी 4 अपडेट की जानकारी देने की कोशिश की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।